हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ के बारे में जो आ रहा है 28 से लेकर 30 जुलाई के बीच में। तो जब भी दोस्तों हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो दो चीजें देखकर करते हैं। पहला तो हमें लिस्टिंग गेन्स कितना हो रहा है और दोस्तों हम देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स देखने के लिए हमें इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखना होगा, मतलब आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि ये हमें लिस्टिंग गेन्स कितना देने वाला है। अगर हमें जानना है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है तो इसका बिजनेस जानना पड़ेगा। ये अपना माल कहां कहां सप्लाई करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, और हम कंपेयर करेंगे इसके जैसी जो कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और देखेंगे कि ये साल दर साल कैसा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और फिर जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों बात करें रोलेक्स रिंग्स कंपनी के बारे में तो ये टॉप 5 फोर्जिंग्स कंपनी के अंदर आती है इंडिया के अंदर। फोर्जिंग्स मतलब जो लोहे वाले काम होते हैं, मतलब लोहे के जो कंपोनेंट्स वगैरह, स्टील के कंपोनेंट्स वगैरह जो बनाती है, उन कंपनीज के अंदर ये टॉप 5 के अंदर आती है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये फोर्जिंग वाले क्या क्या कंपोनेंट्स बनाती है। पहला तो ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स बनाती है जिसमें गियर से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है, और दूसरा इंजन कंपोनेंट्स बनाती है जिसके अंदर पुल्ली है और फोर्ज कंपोनेंट्स हैं, उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और तीसरा जो कंपोनेंट बनाती है चेसिस के कंपोनेंट्स। दोस्तों चेसिस अगर आप नहीं जानते तो कार ट्रक वगैरह होते हैं उनके अंदर जो बॉडी होती है जिसके ऊपर बॉडी ठहरती है वो चेसिस कहलाता है। और अलग अलग टाइप की बेयरिंग्स की रिंग्स बनाती है जिसके अंदर 0.01 केजी से लेकर 163 प्लस केजी के ये जो बेयरिंग के रिंग्स आती है वो ये बनाती है। और एग्जॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स बनाती है। एग्जॉस्ट मतलब जो गैस वगैरह बाहर निकलता है उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स काम आते हैं वो भी ये बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स जो काम आते हैं 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर इंडस्ट्रीज में, रेलवेज के अंदर, ऑफ हाईवेज की जो मशीनें हैं उनके अंदर, विंडमिल टर्बाइन के अंदर, डिफेंस पावर सेक्टर, एरोस्पेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल, मरीन, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सभी सेक्टर्स के अंदर इसके प्रोडक्ट काम आते हैं। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो 81% बियरिंग का मार्केट जो कंपनियां कवर करती है उन सभी को बियरिंग की रिंग सप्लाई करती है जिसका वेट मैंने आपको बताया 0.01 केजी से लेकर 163 प्लस केजी की जो बियरिंग की रिंग्स लगती है बियरिंग के ऊपर वो ये सप्लाई करती है इन कंपनीज को। जो इंडिया के अंदर टॉप बियरिंग कंपनियां हैं एसकेएफ है, एनआरबी है, और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो बियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन सभी को ये माल सप्लाई करती है। और दोस्तों इंडिया के अलावा 17 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना माल एक्सपोर्ट करती है। और दोस्तों इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं राजकोट के अंदर। अब दोस्तों बात करें इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो दोस्तों आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 400 रुपए पर शेयर, मतलब 16 शेयर का लॉट है। अगर 16 को 400 से गुणा करते हैं तो लगभग 6400 रुपए आज की तारीख में एक लॉट पर हमें फायदा बता रहा है। दोस्तों पहले इसका जो प्राइस बैंड वगैरह डिसाइड नहीं हुआ था तब पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा था, अब इसका प्राइस बैंड वगैरह डिसाइड हो गए हैं तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 400 रुपए पर शेयर है और 16 शेयर का लॉट है तो लगभग 6400 रुपए एक लॉट पर हमें आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अब बात करें इसके फाइनेंशियल की तो साल दर साल ये कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो 2019 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद लगभग 59 करोड़ रुपए के आसपास, जो 2020 में थोड़ा सा घटकर हो गया 53 करोड़ रुपए, और वही 2021 में ये बढ़कर हो गया 86.9 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 87 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हो गया 2021 के अंदर। मतलब प्रॉफिट वाइज कंसीडर करें तो साल दर साल अपना प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है। मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इसने 87 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा जनरेट किया है। दोस्तों जो इसका ईपीएस है, पीई रेशियो, उन सभी का डेटा काफी जगह अलग अलग दिखा रहा है। तो दोस्तों 2021 के अंदर इसका अर्निंग पर शेयर है 10.56 रुपीज और इसकी बुक वैल्यू है 122.52 और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 2021 के अंदर 19% के आसपास। दोस्तों इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है साल दर साल घट रही है। और दोस्तों कंपैरिजन करें इसके पीई रेशियो की तो पीई रेशियो मतलब दोस्तों होता है किसी भी कंपनी में हमें उससे 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनी से इसके पीई रेशियो की, तो इसकी जो कंपिटेटिव कंपनियां हैं जिसमें भारत फोर्ज है, भारत फोर्ज का पीई रेशियो है 81.70, रामकृष्ण फोर्जिंग का है 180.77 जो कि बहुत ज्यादा है, एमएम फोर्जिंग का है 30.38, और बात करें इसके पीई रेशियो की तो इसका पीई रेशियो है 28.18 का। और दोस्तों कंपेयर करें चारों के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है रोलेक्स रिंग्स की। तो ये सभी आंकड़े देखने के बाद कंपेयर करें पीई रेशियो की तो इसका पीई रेशियो रीजनेबल है, ना मतलब ज्यादा है ना मतलब कम है। अब बात करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में तो ये आईपीओ ओपन होगा 28 तारीख को, क्लोजिंग है इसकी 30 तारीख को, मतलब 28, 29 और 30 तीन दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है 880 से लेकर 900 रुपए के बीच में, जो अभी इसकी कंपिटेटर कंपनियां हैं उनका भी शेयर प्राइस अभी इतना ही चल रहा है, तो प्राइस बैंड भी रीजनेबल है।
लॉट साइज की बात करें तो 16 शेयर का लॉट है, मतलब एक लॉट के अंदर 16 शेयर होंगे और इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। और दोस्तों इश्यू साइज है 731 करोड़ रुपए का, जो इस कंपनी की वैल्यूएशन देख के सही लग रहा है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू के शेयर होंगे 56 करोड़ रुपए के और ऑफर फॉर सेल के अंदर जो शेयर होंगे 675 करोड़ रुपए के। और इसके टाइम टेबल की बात करें तो मैंने इसकी ओपनिंग डेट बताई 28 जुलाई को और क्लोजिंग डेट है 30 जुलाई को, मतलब 28, 29 और 30 तीन दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। और 4 अगस्त को हमें इसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा, 5 अगस्त को हमारे रिफंड आ जाएंगे अगर हमारे अलॉट नहीं होता है तो, और 6 अगस्त को हमारे शेयर डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे अगर हमारे आईपीओ अलॉट होता है तो, और 9 अगस्त को इसकी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टिंग है, मतलब 9 अगस्त को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। और इसके लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर 16 शेयर हैं, 14,400 रुपए हमें मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे इस आईपीओ के अंदर, और मैक्सिमम लॉट हम 13 अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर 288 शेयर हैं, और मैक्सिमम हम पैसे जो इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,87,200 रुपए। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर पता चलेगा, लिंक्डइन टाइम हमेशा लेट ही करता है। तो दोस्तों बात करें इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो साल दर साल इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ घट रही है और इसके टोटल एसेट भी साल दर साल घट रहे हैं। पीई रेशियो अभी रीजनेबल चल रहा है, बाकी इसके प्रॉफिट रेवेन्यू और इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, और 2021 के अंदर इसका प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेंस दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और आज की तारीख में इसका लिस्टिंग गेंस लगभग 6400 रुपए पर लॉट बता रहा है, जो कि घटता बढ़ता रहेगा, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने क्या मन बनाया है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, क्या आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस पर और भी कोई अपडेट्स आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के।